welcome you all in our channel dr agriculturist i am devendra chowdhury in this video we are going to discuss about panerogamic plant parasite this is for the course fundamentals of plant pathology according to w h whitker 1969 ंगडम्स लाइक मोनेरा प्रोटेस्टा प्लांटी फंजाई एंड एनिमेलिया प्लांट पैरासाइट कहा बिलोंग करता है प्लांटी में प्लांटी को दो सब डिविजन में डिवाइड किया गया है क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी सो so, जो फेनेरोगेमिक प्लांट पेरासाइट है वो एनजियोस्पम में बिलोंग करता है और एनजीओसप के दूसरे मेंबर से अपना न्यूट्रिशन गेन करता है तो क्या हो गया ऐसा प्लांट जो दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन गेन करता है उसे कहते हैं फेनरोगेमिक प्लांट पैरासाइट फेनरोगेमिक प्लांट पैरासाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फर्स्ट है स्टेम पैरासाइट्स दूसरे हैं रूट पैरासाइट मतलब ऐसे पैरासाइट्स जो कि दूसरे प्लांट के स्टेम में इंफेक्शन करते हैं और वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं वो हो गए स्टेम पैरासाइट्स और ऐसे प्लांट पैरासाइट जो कि होस्ट के रूट में इंफेक्शन करते हैं और रूट से न्यूट्रिशन लेते हैं वो हो गए रूट पैरासाइट अब ये टू टाइप के होते हैं होलो पैरासाइट्स और सेमी पैरासाइट्स होलो मतलब टोटल अगर ये पैरासाइट टोटल प्लांट्स में डिपेंडेंट हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए और अपना भोजन ये खुद नहीं बनाते तो उसे कहते हैं होलो पैरासाइट। ये होते हैं डोडर या कस्कूटा या अमरबेल ठीक है सेमी पैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स जो कि स्टेम में इंफेक्शन तो करते हैं लेकिन केवल वाटर और न्यूट्रिएंट के लिए बाकी वो अपना भोजन खुद बनाते हैं इन्हें कहते हैं सेमी पैरासाइट्स या फिर पार्शियल पैरासाइट जैसे कि लोरेंथस सो ये कुछ स्पेशल टाइप के हो गए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेमी पैरासाइट्स के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपने लिए फूड बनाते हैं लेकिन वाटर और न्यूट्रिएंट ये जो कि रूट से प्लांट एब्जॉर्ब करता है तो ये वाला जो मशीनरी है जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है ये इसके पास एबसेंट होता है इसीलिए ये वाटर और न्यूट्रिएंट के लिए अपने होस्ट में डिपेंडेंट रहता है और क्लोरोफिल से अपना खुद का भोजन बना लेता है रूट पैरासाइट्स ये भी टू टाइप के होते हैं होलो पैरासाइट्स और सेमी पैरासाइट्स सो ऐसे पैरासाइट्स जो कि होस्ट के रूट में इंफेक्शन करते हैं और टोटली totally अपने होस्ट में डिपेंडेंट रहते हैं जैसे कि ओरोबेंकी ये कहलाते हैं होलो रूट पैरासाइट सेमी पैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स जो कि फोटोसिंथेसिस तो करते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं लेकिन वाटर और न्यूट्रिय के लिए अपने होस्ट में डिपेंड रहते हैं जैसे कि स्ट्राइगा आगे बढ़ते हैं जो अभी देखे हैं उसे एक बार और शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं तो इसको याद रखने का एक कोड है क्लोस सी एल ओ एस ठीक है जैसे क्लास होता है ना तो वैसी क्लोस सी मतलब कस्कूटा एल मतलब लोरेंथस ओ मतलब ओरोबेंकी और एस मतलब स्टाइगा ठीक है ये जो स्टार्टिंग के दो हैं वो होते हैं स्टेम पैरासाइट और ये जो नीचे के दो हैं वो हैं रूट पैरासाइट कस्कुटा होता है होलो पैरासाइट लोरेंथस होता है सेमी पैरासाइट वैसे ही ओरोबेंकी होता है होलो पैरासाइट स्टाइगा होता है सेमी पैरासाइट तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि होलो स्टेम पैरासाइट का एग्जाम्पल्स क्या है तो वो हो जाएगा कस्कूटा सेमी स्टेम पैरासाइट्स का है लोरेंथस, होलो रूट पैरासाइट है ओरोबेंकी सेमी रूट पैरासाइट है स्ट्राइगा अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कस्कुटा बिलोंग टू फैमिली कस्कुटेसी और इसके होस्ट हैं मतलब ये जिससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं जिसमें इन्फेक्शन करते हैं वो है अल्फाल्फा अनियन पोटैटो एंड अदर प्लांट्स सो अमरबेल के बहुत ज्यादा होस्ट होते हैं और कॉमनली ये दिखाई देते हैं लोरेंथस लोरेंथस बिलोंग टू फैमिली लोरेंथेसी लोरेंथस को डेंट्रोप्थी या फिर मिस्टलेटो भी कहते हैं और इसका होस्ट है मैंगो ओरोबेंकी इसका फैमिली है ओरोबेंकेसी और इसे ब्रूम रेप्स के नाम से भी जानते हैं इनका होस्ट है लेक्यूम्स सोलेनेसी एंड अदर प्लांट स्टाइगा इट बिलोंग टू फैमिली स्क्रोफ्लेरिएसी और इसे वीट के नाम से भी जानते हैं इसके होस्ट हैं बहुत सारे मोनोकोट्स और लेग्यूम प्लांट्स जैसे कि मेज सुगर केन इनमें स्टाइगा से इन्फेक्शन होता है अब हम देखते हैं कस्कुटा के बारे में इसे डोडर या अमरबेल भी कहते हैं ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है और बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है आसपास के कुछ पेड़ों में ऐसे दिखाई देता है इसमें पीली कलर की सिलेंड्रिकल बॉडी होती है जो कि होस्ट को चारों ओर से घेर लेती है और होस्टोरिया के द्वारा ये होस्ट से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है इट इज ऑब्लिगेट स्टेम होलोपैरासाइट इट हैज सिलेंडर ट्वीनिंग ऑरेंज येलो लीफलेस स्टेम्स द होस्ट रेंज इज लार्ज दो मोनोकॉट्स आर लेस प्रिफर्ड ये पैरासाइट होते हैं और कैसे टाइप के हैं स्टेम पैरासाइट है और होलो पैरासाइट है मतलब ये अपनी न्यूट्रिशन के लिए होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं और इसमें सिलेंड्रिकल बॉडी होती है जो कि ऑरेंज येलो कलर की होती है और इसके स्टेम इस में लिफ एब्सेंट होता है इसका होस्ट रेंज बहुत ही ज़्यादा है लेकिन ये मोनोकॉड्स में ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं करते हैं इट कॉज कंसिडरेबल डैमेज टू अल्फ़ाल्फा फ्लैक्स सुगर बीट अनियन अदर क्रॉप्स जैसे कि फ्रूट्स फोडर फॉरेस्ट श्रब्स मतलब देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट सभी पौधों में इन्फेक्शन करते हैं इट ऑल्सो ट्रांसमिट वायरस ये वायरस को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसमिट भी करते हैं द मोस्ट इफेक्टिव मीन टू कंट्रोल इज सीड सैनिटेशन जो सबसे इफेक्टिव कंट्रोल मेथड है वो है सीड सैनिटेशन बीज की साफ सफाई मतलब अगर हम बीज यूज़ कर रहे हैं क्रॉपिंग के लिए तो ऐसे बीज को लेना चाहिए जिसमें कस्कूटा के सीड्स ना हों सेवरल हर्बी साइड्स आर इफेक्टिव ऑन न्यूली जर्मिनेटेड सेड्स इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे हर्बी भी अवेलेबल है अब देखते हैं मिस्टलेटो ये जो दिखाई दे रहा है छोटे छोटे जो लिप्स लाइक के स्ट्रक्चर हैं यह है, है मिस्टलेटो ये ट्री है ट्री के ऊपर में ये पैरासाइट उगते हैं ये एक सेमी पैरासाइट्स होते हैं सेमीपैरासाइट्स मतलब वाटर और न्यूट्रिएंट के लिए ये तो होस्ट में डिपेंडेंट रहते हैं लेकिन अपना भोजन ये खुद से बना लेते हैं क्योंकि इनमें लीफ होता है और इनमें फोटोसिंथेसिस भी होती है मिस्टलेटोस लेटोज आर स्टेम सेमीपैरासाइट्स अकरिंग इन थ्री फैमिलीज इन ऑर्डर सेंटेल्स तो मिस्ट लेटो की तीन फैमिली है कौन कौन सी फैमिली लॉरेंथेसी फैमिली सेंटेलेसी एंड फैमिली विस्केसी लोरेंथेसी को सोई मिस्टिलेटो भी कहते हैं या लोरेंथस कहते हैं या डेंड्रोप्थी कहते हैं सेंटेलेसी में सेंडल वुड्स आते हैं और विस्केसी में डॉर्फ मिस्टिलेटो आते हैं जिन्हें आर्सियोथोबियम भी कहते हैं या लीफी मिस्टिलेटो भी कहते हैं तो ये जो मिस्टलेटो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं जैसे कि लोरेंथस, सैंडलवुड ड्वार्फ मिस्टिलेटो या विस्कम द सोई मिस्टलेटो प्रोड्यूस लार्ज एंड ब्यूटीफुल फ्लावर दैट आर पोलिनेटेड बाई बर्ड्स जो मिस्टलेटो होते हैं उनमें फ्लावर भी आता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है और बर्ड्स के द्वारा इसमें पोलिनेशन होता है द सीड्स आर कवर्ड विद स्टिकी सब्सटेंस कार्ड विन दैट ग्लू द सीड्स टू द होस्ट सरफेस जैसे यह होस्ट है इसमें पहले सीड्स को चिपकना है तो इसके सीड के चारों ओर एक केमिकल प्रजेंट होता है जिसे विस्ट कहते हैं जो कि होस्ट में चिपकने में हेल्प करता है द को इवोल्यूशन ऑफ दीज पैरासाइट्स एंड द बर्ड्स इज ऑल्सो सजेस्टेड बाई द सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म ऑपरेटिंग इन द बर्ड्स स्टडी में ऐसा पाया गया है कि मिस्टलेटो का सीड्स और बर्ड इन दोनों का को इवोल्यूशन हुआ है दोनों एक साथ विकसित हुए हैं इसीलिए इसके सरफेस में कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो कि होस्ट सरफेस में या बर्ड्स के बॉडी में चिपकने में हेल्प करते हैं तो क्या होगा जैसे इस पेड़ में अभी मिस्ट लेटो प्रजेंट है अब इसमें सीड प्रोडक्शन हुआ सीड भी बन गया अब यहाँ पर बर्ड्स आएंगे और बर्ड्स इस सीड्स को खाने के लिए आते हैं उसी समय यह सीड्स उनके बॉडी में चिपक जाता है और बर्ड्स किसी दूसरे जगह में जाते हैं वहाँ पर इस पैरासाइट को भी ले जाते हैं इस प्रकार से जो मिस्ट लेटो है वो पूरे जंगल में या पूरे एरिया में फैल जाता है ओरोबेंकी, ओरोबेंकी एक रूट पैरासाइट होता है कंप्लीट रूट पैरासाइट यह जो दिख रहा है यह है ओरोबेंकी और यह है होस्ट प्लांट तो होस्ट प्लांट्स के रूट्स में यह जर्मिनेट होते हैं और यहीं से न्यूट्रिशन लेके बढ़ते हैं ये इसमें फिर सीड्स का भी फॉर्मेशन होता है यह सीड दूसरे रूट्स में इन्फेक्शन करते हैं दूसरे प्लांट्स के रूट्स में इंफेक्शन करेंगे और फिर से ये जर्मिनेट होते हैं और नया पौधा बनाते हैं इसी प्रकार से इसका ये लाइफ साइकिल चलते रहता है तो आप देख सकते हैं इसमें भी क्लोरोफिल एब्सेंट है इसीलिए ये हरे रंग का नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो अपने पूरे भोजन के लिए ये होस्ट में डिपेंडेंट रहता है इसीलिए ये कंप्लीट रूट पैरासाइट है इसे ब्रूम रेप के भी नाम से जाना जाता है दिस इज एन ऑब्लीगेट रूट होलो पैरासाइड इन्फेक्टिंग लेग्यूम्स सोलेनेसियस क्रॉप्स कैरेट कैबेज कॉलीफ्लावर लेट्यूस एंड सनफ्लावर सो इसका होस्ट रेंज कैसा है लेग्यूम्स में इन्फेक्शन करता है जो दलहन की फसलें हैं उनमें इन्फेक्शन करता है सोलेनेसियस क्रॉप में करता है जैसे कि कद्दू लौकी कैरेट कैबेज गाजर पत्ता गोभी फूलगोभी सलाद और सूर्यमुखी इन सब में इन्फेक्शन करता है टोटल क्रॉप फेलियर्स में अक्कर इन हैवीली इन्फेस्टेड सॉइल अगर इसका इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है तो क्रॉप कंप्लीटली मर जाता है एक भी हमें प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता है द पैरासाइट अपियर्स एज वाइटिस आर येलोविस आर ब्राउनी स्टेम अबाउट थर्टी सेंटीमीटर हाई दैट अराइज फ्रॉम द रूट्स ऑफ द इन्फेक्टेड होस्ट and bear beautiful फ्लावर बिसाइड्स bracket लाइक -like leaves लैकिंग क्लोरोफिल सो इसका जो हाइट होता है वो थर्टी सेंटीमीटर तक होता है और ये सफ़ेद कलर के पीले या ब्राउन कलर के हो सकते हैं ये रूट में इन्फेक्शन करते हैं और इसमें बहुत ही सुंदर फ्लावर्स होते हैं इसकी जो पत्तियां होती है वो छोटी छोटी स्केल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं जिसमें क्लोरोफिल एबसेंट होता है इन जनरल ओरोबेंकी इज अ पैरासाइट ऑफ कोल्डर क्लाइमेट एंड नीड 10 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन सो इसके लिए कोल्ड क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है मोस्टली ये रबी क्रॉप्स में आते हैं और सीड जर्मिनेशन के लिए 10 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत पड़ती है दिस इज द रीजन वाई इट अटैक टोबेको ड्यूरिंग द विंटर इन इंडिया बट फेल्स टू इन्फेक्ट सनफ्लावर ड्यूरिंग समर इन द सेम फील्ड ठीक है भले ही सनफ्लावर इसका होस्ट है लेकिन इसके सीड जर्मिनेशन के लिए टेन टू ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए जो कि उसे समर में नहीं मिलता और समर में ये इन्फेक्शन नहीं करते हैं सो so, इंडिया में केवल और केवल ये रबी सीजन में ही आते हैं इट्स कंट्रोल इज डिफिकल्ट ड्यू टू द हाई लोंगिविटी ऑफ द सीड्स इन दॉयल देयर एक्सट्रीम स्मॉल साइज देयर प्रोडक्शन इज एक्सट्रीमली लार्ज इन नंबर सो इसका जो कंट्रोल है वह बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्यों? क्योंकि इसके जो सॉइल होते हैं वो पचास साल तक सर्वाइव कर सकते हैं तो अगर हम क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे तो क्रॉप रोटेशन कितने साल तक अपना सकते हैं एक या दो साल तक लेकिन ये तो पचास साल तक सर्वाइव कर सकते हैं एक्स्ट्रीमली स्मॉल साइज इसके जो सीड होते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और पाउडर के इतने साइज के होते हैं देयर प्रोडक्शन इज एक्सट्रीमली लार्ज इन नंबर इनमें एक एक पैरासाइट लाखों करोड़ों की संख्या में सीड्स प्रोड्यूस करते हैं इसीलिए इसका जो कंट्रोल है वो बहुत डिफिकल्ट है स्ट्राइगा स्ट्राइगा एक सेमी रूट पैरासाइट्स होते हैं यह है क्रॉप हमारा मेज क्रॉप है ये और इसमें किनारे से ये देखिए कुछ दूसरे प्लांट्स निकल रहे हैं जिसकी पत्तियां हरी है इसका मतलब क्या हुआ इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है और अपना खाना यह खुद से बनाता है लेकिन यह होस्ट में वाटर और न्यूट्रिएंट के लिए डिपेंडेंट रहता है इसे वीड भी कहते हैं यह डब्ल्यू वाई टी सी एच होगा स्ट्राइगा इज एन ऑब्लिगेट रूट हेमीपेरासाइट द सिडलिंग्स एवर ग्राउंड डू फॉर्म क्लोरोफिल इसमें क्लोरोफिल बनता है इट अटैक इंपॉर्टेंट क्रॉप्स लाइक मेज सॉर्गम पर्मिलेट राइस शुगर कैन एंड लेग्योम्स सो ये मोनोकोट और डाइकॉट दोनों में इन्फेक्शन करते हैं टू स्पीसीज स्ट्राइगा एशियाटिका एंड स्ट्राइगा हारमोनथिका कॉज मैग्जिम डेमेज टू क्रॉप इंडिया में दो स्पीसीज हैं जो कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन करते हैं वो है स्ट्राइगा एशियाटिका और स्ट्राइगा हारमोनथिका स्ट्राइगा हैज कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल इट प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ डस्ट सीड्स दैट आर डिसमिनेटेड बाय विंड्स एंड रेन इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में बीज बनते हैं जो कि विंड्स और रेन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में फैलते हैं द रेडिकल्स प्रोड्यूस रूट हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर दैट ग्लू इन टू द होस्ट सीड के जर्मिनेशन के बाद दो स्ट्रक्चर निकलते हैं प्लोम्युल्स और रेडिकल प्लोम्युल्स जो है वह स्टेम बनाता है और रेडिकल्स रूट्स बनाता है so, सो स्टाइगर के सीड्स के जर्मिनेशन के बाद जो रेडिकल होते हैं वो होस्ट सरफेस से चिपक जाते हैं और वहां पेनीट्रेट करते हैं वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं तो इतना था फेनरोगेमिक प्लांट पैरासाइट्स के बारे में इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल सो लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू डाउनलोड लेक्चर नोट्स इन पी डी एफ फॉर्मेट प्लीज़ जॉइन माई टेलीग्राम चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैपी रीडिंग एंड कीप इम्प्रूविंग यूअर सेल्फ